अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GM बाइक कलेक्शन गुजरांवाला में और आज आपके लिए एक BMW के रेप्लिका की वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बाइक किस तरह की है, इसके प्राइसिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, इसके अलावा GM बाइक कलेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि किस जगह पर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूँगा चैनल पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है ये BMW की रेप्लिका बाइक है और कंप्लीट आज की वीडियो में आपको इसकी डिटेल्स बताऊँगा। तो पहले आपको बताते चलो, इस वक्त मौजूद हूँ GM बाइक कलेक्शन गुजरांवाला भी और GM बाइक कलेक्शन की आपको लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ। सेक्टर डोन में जो वुमेन डिग्री कॉलेज है उसके ऑपोजिट साइड पे आप कह सकते हैं, या बिल्ला चौक से थोड़ा सा पीछे कह सकते हैं, यहाँ पे GM बाइक कलेक्शन, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बाइक की जो कलेक्शन है वो मिल सकती है। इसके अलावा कम्प्लीट डिटेल्स आप दिए गए नंबर पर भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इस बाइक के बारे में बताऊँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है फ्रंट साइड से, काफ़ी इसकी बल्कि सी लुक है, काफ़ी आपको खूबसूरत इसकी लुक मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका वाइजर है और उसके बाद नीचे वाले साइड पे इसकी काफ़ी खूबसूरत सी शेप है। बीच में आपको मैट प्लास्टिक का यूज़ मिलता है, साइडों पे ग्लॉसी जो प्लास्टिक है उसका यूज़ किया गया है। और इसके अलावा आपको स्टिकरिंग मिलती है जो कि रेड और ब्लू कलर में है। और अगर हम इसकी लाइट्स की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा स्लिम इसकी लाइट्स हैं, बिल्कुल आपको पतली सी एक लाइन मिलती है लाइट्स की। वैसे आप देखेंगे इसकी जो लाइट्स हैं आपको नज़र ही नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट आपको फील ही नहीं होंगी इतनी इसकी लाइट्स। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी खूबसूरत से इसकी फ्रंट साइड से लुक आपको मिलती है। इंडिकेटर्स की बात कर लें आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर्स, और काफ़ी छोटे से साइज़ में काफ़ी खूबसूरत से इसके इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा आपको इसकी जो मिरर्स हैं उसके अंदर भी आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। नीचे वाली साइड की अगर हम इसके मडगार्ड की बात कर लें आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर प्लास्टिक का फाइबर का मडगार्ड मिलता है जो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ब्लैक और इसके अलावा रेड कलर मिलता है, तो काफ़ी खूबसूरत इसका मडगार्ड है। उसके अलावा इसके शॉक्स की बात कर लें आप देख सकते हैं काफ़ी इसके हैवी ड्यूटी शॉक्स आपको मिलते हैं, काफ़ी मोटे शॉक्स हैं, काफ़ी अच्छी थिकनेस है। और नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं आपको इसकी डिस्क ब्रेक है ना वो मिलती है। और अगर रिम की बात करें, रिम आप देख सकते हैं इसका ब्लैक पेंटेड इसका रिम है, और रिम की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और साइज़ की अगर हम टायर की बात कर लें वो आप देख सकते हैं 110x70 और 17 इंचज़ का इसका टायर है, और चौड़ाई आप देख सकते हैं इसके टायर की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका जो टायर है ना वो यूज़ किया गया है। उसके बाद इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लें, साइड पे आप देख सकते हैं आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक का यूज़ मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। आपको स्टिकरिंग मिलती है ब्लू और इसके अलावा रेड कलर में, इसके अलावा आपको एक लोगो मिलता है। तो मज़ीद यहाँ पे नीचे वाली साइड पे आपको स्टिकरिंग मिलती है, उसके साथ ही आपको इसका इंजन मिल जाता है। इंजन की बात कर लें इसके अंदर जोंगशन का इंजन मिलता है जो कि 400cc है, और ये डुअल सिलेंडर इंजन है और कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसके अंदर EFI इंजन यूज़ नहीं किया गया। तो ये चीज़ है, ओवरऑल पेंट की क्वालिटी इसकी फिनिशिंग वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसकी बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसकी जो सीट है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो टेल भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको मज़ीद जो स्टिकर्स हैं वो मिलेंगे। टेल लाइट की बात करें आप देख सकते हैं इसकी जो टेल लाइट है ना आपको नॉर्मल से साइज़ में मिलती है, ना बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी। और इसके अलावा नीचे वाली साइड पे इसके टेल के साथ आपको इसके इंडिकेटर्स मिलेंगे क्योंकि छोटे से साइज़ में इसके इंडिकेटर्स आते हैं। रिफ्लेक्शन लाइट मिलती है, नंबर प्लेट की ऑप्शन है। रेयर में आप देख सकते हैं आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, और डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं उसके साथ साथ आपको जो इसका जो रिम है ना वो भी काफ़ी चौड़ा मिलेगा। और साइज़ की अगर हम बात करें टायर की, मतलब इसके रिम के साइज़ की 150x70 और 17 इंच का इसका रिम है। टायर आप इसका देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर मोनो शॉक मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं वो नीचे वो आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप मोनो शॉक इसमें यूज़ किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो किस तरह का मिलता है, और इसका ओरिजिनल इस वक्त इसके साथ जो है वो है। इसके अलावा आप यहाँ से आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, मज़ीद जो अपनी पसंद का जो एग्जॉस्ट है अपना साउंड जो है पसंद का वो ले सकते हैं। दूसरी साइड की अगर हम बात कर लें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वही जो इंजन वही जो चीज़ें हैं ना सभी कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको डुअल जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाती है। उसके बाद फ्यूल टैंक की जो शेप है वो आप देख सकते हैं, आपको फ्यूल टैंक के ऊपर वाली साइड पर भी जो स्टिकरिंग है ना वो मिलती है। तो ये चीज़ है, तो कम्प्लीटली मेटल है, इसके अंदर प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ग्रिप्स की, तो ग्रिप्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिपर की ऑप्शन मिल जाती है, हाई लो बीम की ऑप्शन है, हैजल की ऑप्शन है, इसके अलावा इसके टर्न इंडिकेटर्स जो है ना उनकी ऑप्शन है, और इसका यहाँ पे हॉर्न है। राइट ग्रिप की अगर बात करें आपको इसके फ्रंट ब्रेक के साथ साथ इसका जो थ्रॉटल है वो आपको मिलता है। उसके अलावा इंजन ऑन ऑफ की ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा इसके जो लाइट्स हैं ना वो ऑन ऑफ की ऑप्शन मौजूद है, और साथ इसका सेल्फ स्टार्ट का जो स्विच है ना वो मौजूद है। की की बात कर लें आप देख सकते हैं आपको इस तरह की कुछ इसके साथ की मिलती है, तो की आप इसको ऑन करते हैं, ये आप देख सकते हैं जैसे इसको ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी खूबसूरत सा इसका डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले है इसका।
तो आपको यहाँ पे हर किस्म की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाती है, ABS के साथ आती है ये, और कंप्लीट इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गियर इंडिकेटर्स वगैरह आप देख सकते हैं। इसके मिरर्स के अंदर भी आपको जो लाइट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत मिलेंगी। इसके अलावा आपको हैजल्स वगैरह जो मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी हैजल लाइट्स, और अब इसकी जो हेडलाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं आपको काफ़ी स्लिम सी हेडलाइट इसकी मिलेगी। इसके अलावा आपको इसकी जो प्री इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी है ना वो भी मिलेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।